बड़ी खबर, हमास और इसराइल युद्ध को देश में भी अब राजनीति यहां पर तेज हो गई है। इसको लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा और AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के बीच में बयानों की बौछार सी हो गई है। ओवैसी ने पीएम मोदी से अपील की कि युद्ध रोकने को कह दें आप। ओवैसी ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा है और बोले हैं कि अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो युद्ध रोकने को कहें। ये ओवैसी ने बयान दिया है। तो देश के अंदर भी इस युद्ध के बाद अब जो राजनीति है वो तेज हो गई है। मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडरिटी विद द फलस्तीनियन पीपल, तो सॉलिडरिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को, 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है वो, जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6,000 बम गिराए गए। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक्वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हो वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वॉर क्राइम्स इसराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। मोदी जी रोको। हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है और देश के अंदर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उनका भी दौर शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा एक दूसरे पर लगातार बयानों के जरिए निशाना साध रही हैं। बयानों की लगातार बौछार हो रही है। ओवैसी और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक दूसरे पर हमला बोला है। सुनवाते हैं आपको हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है। देखिए, वो एक ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करते हैं। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तो हम अभी जाओ गाजा में जाओ, यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो। Z News.